Assalamualaikum guys, this is the Booker. Guys, आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगा कि what is backlink and different types of backlinks. जब हम SEO करते हैं, SEO में तीन चीज़ें होती हैं, technical SEO, on-page SEO and off-page SEO. आज का हमारा टॉपिक ये है कि what is off-page SEO. ठीक है, अगर आप जानना चाहते हैं technical SEO क्या होती है और on-page SEO क्या होती है, उनके लिए मैंने अलग से ट्यूटोरियल बनाए हुए हैं, उनका मैं लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आपने उसको भी देख लेना है. तो guys, बैकलिंक ये होता है, SEO कर रहे होते हैं अपनी वेबसाइट की, तो हम अपनी वेबसाइट का लिंक किसी दूसरी वेबसाइट पर लगाते हैं, इट इज़ कॉल्ड बैकलिंक. किसी दूसरी वेबसाइट जब लिंक मिल जाता है उसको हम बैकलिंक कहते हैं. इसके डिफरेंट टाइप्स होती हैं बैकलिंक्स की. कुछ साइट ऐसी होती हैं जो बिल्कुल फ्री होती हैं, हम जस्ट जाके वहाँ पर साइन अप करते हैं, अपना अकाउंट बनाते हैं और अपना जो भी हमारी इंफॉर्मेशन होती है अपनी वेबसाइट से रिलेटेड, हमारी जो टाइटल डिस्क्रिप्शन वगैरह, और हम अपना वेबसाइट का लिंक वहाँ पे ऐड कर देते हैं. फ्री बैकलिंक्स के अंदर हमारे सोशल बुकमार्क्स आ जाते हैं. सोशल शेयरिंग जो है वो भी सिंपल साइट्स होती हैं, जैसे फेसबुक हो गया, ट्विटर हो गया, जाके ग्रुपों के अंदर पोस्ट क्रिएट करते हैं, उसको शेयर कर देते हैं, इट इज़ कॉल्ड सोशल शेयरिंग बैकलिंक्स. ब्लॉग कमेंट में हमने पोस्टों को देखना होता है, पोस्टों के अंदर जो भी बात हो रही हो हमने वहाँ पे थोड़ा सा कमेंट पेस्ट करके अपना जो वेबसाइट का लिंक है उसको ऐड कर देना होता है. उसके अलावा कोवरा एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, उसके क्वेश्चन के हमने आंसर देने होते हैं. ये बहुत ही अच्छी स्ट्रेटजी है ऑफ पेज एसईओ की, ये बहुत अच्छे बैकलिंक्स होते हैं, इससे आप ट्रैफिक इंक्रीज कर सकते हैं अपनी वेबसाइट की. अगर आप डाटा लेना चाहते हैं मुझसे कोवरा बैकलिंक का, मोस्ट रेलिवेंट डाटा मैं आपको प्रोवाइड कर सकता हूँ. आपके जो भी निश है, जो भी कीवर्ड है जिससे रेलिवेंट आपको डाटा चाहिए, जस्ट आपने कमेंट में मुझे मैसेज कर देना है, तो मैं आपको उसका डाटा प्रोवाइड कर दूंगा. तो फ्री आर्टिकल सबमिशन में जस्ट आप अपना आर्टिकल ऐड करते हैं और उसमें लिंक लगा देते हैं. वेब 2.0 बहुत पावरफुल लिंक्स होती हैं. facebook.wordpress.com आ जाएगा, इस तरह से हम खुद से क्रिएट करते हैं, साइट नेम हम खुद से ऐड करते हैं. इस तरह facebook.wix.com इस तरह से हम बना सकते हैं और ये बहुत जल्दी इंडेक्स भी हो जाते हैं. प्रोफाइल सबमिशन होती हैं, ये भी बहुत ईजी होती हैं. हम साइट्स पर जाके प्रोफाइल बनाते हैं और जस्ट अपना जाके लिंक लगा देते हैं टाइटल डिस्क्रिप्शन के साथ. और इसके अलावा फॉर्म पोस्टिंग होती है, इंफोग्राफीज होती है, डॉक्यूमेंट शेयरिंग होती है. इसके अलावा काफ़ी टाइप्स होती हैं बैकलिंक्स की, तो आपने कोशिश ये करनी है कि मोस्ट रेलिवेंट आपको साइट से लिंक्स मिलें. अगर हम ज़्यादा बैकलिंक्स बना लेंगे और इनरेलिवेंट होंगे वो आपको फ़ायदा नहीं देंगे. जो सबसे अच्छी स्ट्रेटजी है बैकलिंक्स की वो है गेस्ट पोस्टिंग. ये ऐसी स्ट्रेटजी है कि आपके बैकलिंक्स ईजिली इंडेक्स भी हो जाते हैं, जो फ्री लिंक्स होते हैं वो जल्दी से इंडेक्स नहीं होते. ये गेस्ट पोस्टिंग ली जाती है ईमेल मार्केटिंग के थ्रू. आप ईमेल सेंड करते हैं, बहुत ही एक प्रोफेशनल तरीके के जरिए आप लिंक लेते हैं. अगर आप जानना चाहते हैं व्हाट इज़ गेस्ट पोस्टिंग, गेस्ट पोस्टिंग कैसे ली जाए, इसके मैंने दो डिफरेंट ट्यूटोरियल बनाए हुए हैं कि आप गेस्ट पोस्टिंग लेने के लिए आपको कौन सी वेबसाइट को करना चाहिए कॉन्टैक्ट. ठीक है, उसके अलावा जो गेस्ट पोस्टिंग के ट्यूटोरियल हैं उनके मैं लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा, तो गाइस आपने इनको भी देख लेना है. तो ये थी ऑफ पेज एसईओ, डिफरेंट टाइप्स ऑफ बैकलिंक्स.